Yes. Firstly, welcome to our channel, Rakshana ma'am, and Thank you. very very congratulations for this song which is in Bhojpuri version. First of all, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका experience कैसा था एक already made song को भोजपुरी में वापस एक और तरीके से revamp करके लेके आना। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, बट एट द सेम टाइम बहुत एक्साइटिंग भी था, बिकॉज़ नया कुछ करने का मौका मिल रहा था. एंड आई एम सो हैप्पी कि लोग इस गाने को बहुत पसंद भी कर रहे हैं. वैसे आजकल रीमिक्स, पुराने गाने के रीमिक्स करना बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन ट्रेंड एक है. नया ही गाना है जो ऑलरेडी पॉपी था एंड उसी को आपने एक अलग भाषा में लेके आया। सो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड गेटिंग दिस सॉन्ग लाइक दिस? आई थिंक ये सवाल तो सबसे पहले टी सीरीज चैनल से करना चाहिए, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट है. यू नो आई थिंक पंजाबी वर्जन है ना, हिंदी पंजाबी वर्जन वॉज सो आई थिंक सक्सेसफुल सॉन्ग. उसके बाद भोजपुरी वर्जन लाने के लिए मुझे चूज़ किया गया, ये बेहद बड़ी बात है. एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मुझे ये गाना मिला. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट आई एम सो हैप्पी कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं इस गाने को. वैसे काफी सारे भोजपुरी फिल्मों में तो आप ऑलरेडी आ ही चुकी हैं, लेकिन काफी सारे फैंस हैं जो चाहते हैं कि अब आप बॉलीवुड फिल्म में भी करें, तो इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस चीज़ में ख्याल एकदम पक्का है, मैं एकदम मेहनत में लगी हुई हूँ, मेहनत कर रही हूँ, और आई होप बहुत जल्द नज़र आऊँगी भी. होपिंग फॉर द बेस्ट. वैसे ये गाना वैसे तो नॉट सो वेरी पॉपुलर तो हम कह ही नहीं सकते, बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर सॉन्ग था एंड ये भी पॉपुलर होने के कगार पे ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कुछ फैंस हैं उनके कमेंट्स हम पढ़ें और आप इस प्लीज चीज़ को प्लीज रिएक्ट भी करें। नहीं, आप पढ़ें, आप पढ़ें, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है. अक्षरा सिंह को हिंदी के कलाकारों के साथ फिल्में करने का मौका देना चाहिए, इनकी एक्टिंग भी हिंदी कलाकारों से कम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मीन्स अ लॉट. नेवर टायर्ड विद दिस मास्टरपीस। क्यूट. वोकली यू हैव अ ग्रेट टोन एंड रियली गुड कंट्रोल ऑन द हाई नोट्स, अ ग्रेट ओवरऑल परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच. फील द सॉन्ग लेजेंड ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री एट द रेट अक्षरा सिंह। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी इन नेक्स्ट लेवल, अनदर वाओ, मास्टरपीस सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ अक्षरा सिंह दैट मेल्ट्स माय हार्ट स्लोली स्लोली इन द सॉन्ग। भोजपुरी लैंग्वेज सच अ डिवाइन दैट ऑलवेज गिव्स एनर्जी एंड म्यूजिक। वाओ यार, वंडरफुल, इट मींस अ लॉट टू मी, आई एम ग्रेटफुल. लाजवाब गाना गाई है अक्षरा सिंह जी, मधुर जवाब और बेहतरीन वीडियो की। थैंक यू. दिस सॉन्ग इज ऑसम, प्रोफेशनली मेड वीडियो एंड सॉन्ग, दिस विल डेफिनेटली चेंज द पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द भोजपुरी सॉन्ग। वाओ, इसी के इट विल. साथ हम जानना चाहेंगे कि आपका डायरेक्टर के साथ कैसा आपका ये रहा था एंड कैसे आपने ये सॉन्ग शूट किया, क्या-क्या मेमोरीज थी आपकी? इस गाने के जो डायरेक्टर हैं मुदस्सर जी, वो बहुत ही प्यारे सोल हैं, और ही इज़ वेरी क्रिएटिव. और मुझे हमेशा से ऐसा रहा था कि मैं उनके साथ काम करूं, और मुझे ये इस गाने के ज़रिए मिला ये मौका, और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिला. एंड अब काम करते करते यू नो हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए एक ही दिन में. एंड होपिंग फॉर द बेस्ट. आई थिंक आगे और भी बहुत सारे गाने साथ में आएंगे हमारे. कितने दिन का शूट रहा एंड क्या क्या मस्तियां हुई सेट पे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि सॉन्ग बड़ा फन ओरिएंटेड था, तो मस्ती बहुत ज़्यादा किया हमने, मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया, बिकॉज पहला ऐसा गाना है जिसको हमने 24 घंटे बिना सोए यू नो भाग भाग के जा रही थी, चेंज कर रही थी, फिर सेट पे आ रही थी, फिर चेंज कर रही थी, फिर सेट पे आ रही थी.
तो हमने बहुत मेहनत किया बिकॉज़ टाइम बहुत कम था, मुझे भी नेक्स्ट डे दूसरे शूट पर जाना था, कमिटमेंट्स थे मेरे और उनका भी कुछ काम था, तो हमें एक दिन में ही एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना था गाना। तो हमने बहुत मेहनत की और उसका रिजल्ट है आप लोगों के सामने। मैं जितने भी फैंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमेशा की तरह यूं ही बनाए रखिए और इस गाने को और ज़्यादा भर भर के प्यार दीजिए और भी मैं आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी अलग अलग काम के ज़रिए, एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। थैंक यू। My favorite part of the song is Naina naina mein naina naina char kaise ho gaya na jaane kaise khumar hum pe ho gaya। ये दो लाइन है जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है।